मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, हल्के कारवान जियागुड़ा में एक मस्जिद का अगर आप हाल देखेंगे अल्लाह के घर का, तो आपके आंख से आंसू निकल जाएंगे। ऐसे हाल में ये मस्जिद है और हमारे कायदीन बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए 25-30 साल तक केस लड़े हैं और फिर केस हार गए हैं, मगर यहाँ की मस्जिद को देखने वाला कोई नहीं। ये मस्जिद का हाल तो देखिए आप। इस मस्जिद का नाम तीन खाना मस्जिद है और ये हल्के कारवान जियागुड़ा में ये मस्जिद मौजूद है। आइए देखते हैं इस मस्जिद का क्या हाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम सोशल मीडिया के भाइयों से, दोस्तों, अहबाब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस ऑडियो को सुनिए और वीडियो को देखिए। ज़रूर अल्लाह की रज़ा के लिए आगे तक शेयर करिए। सबसे पहले शेयर करिए मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह आपके सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है हल्के कारवान का, जियागुड़े का। एरिए का नाम है इमामपुरा, मस्जिद अहले इस्लाम मस्जिद का नाम है, तीन खाना मस्जिद है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये मस्जिद है और ये पूरा कब्रस्तान है। ये तकरीबन गालिबन 7 एकड़ पे है। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की लापरवाही है, उसकी वजह देखिए आप क्या हो रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की खबरों पे देखिए आप, सुअर फिर रहे, सुअर लौट रहे हैं वहाँ पे। मस्जिद की क्या हालत हो गई, कचरा कुंडी में तब्दील। कब्रस्तान की क्या हालत हो गई, कचरा कुंडी में तब्दील। और हमारी कौम किस में लगी हुई है, संडे फंडे में, चार मीनार के इंजॉयमेंट में, गांजा पीने में, सिगरेटा पीने में, गफलत में ये कौम लगी हुई है। इसीलिए कहा करता हूँ मैं, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हमारे प्यारे शहर हैदराबाद के अंदर ये मामला चल रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, हम गफलत में है। मुसलमान कलमा पढ़ने वाले मोमिन अहले ईमानों की खबरों पे सुबह लौट रहे हैं, सुबहों के बच्चों को ले लेकर सुबह की पोल वहाँ पे है, हम खामोश बैठे हुए गफलत में है। मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो घर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, उसको आबाद करने के लिए आगे आए, वीडियो को सुने, ज़रूर आगे तक शेयर करें, सोशल मीडिया पर फैलाए, अपने अपने तरीके से अपनी आवाज़ को ऑडियो में, वीडियो में अपनी आवाज़ को रखे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हैदराबाद के हमारे MP असदुद्दीन अवेजी साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हल्के कारवान के हमारे MLA साहब कौसर मोहियुद्दीन साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए यहाँ पे कलमा पढ़ने वाले अहले ईमान मुसलमानों की खबरों पे सुअर लौट रहे हैं, यहाँ पे सुअर फिर रहे हैं, यहाँ पे कचरा कुंडी में कब्रस्तान भी तब्दील हो गया, अल्लाह का घर मस्जिद भी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। सलीम साहब, आपको भी मरने के बाद, रूह कब्ज़ होने के बाद मस्जिद में लेके जाएंगे, इंशाल्लाह जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे, फिर वहाँ से आपको कब्रस्तान में लेकर जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको मस्जिद भी नसीब ना हो और कब्रस्तान भी नसीब ना हो। खबर नसीब हो जाएंगी आपको, तो अल्लाह ना करे आपकी खबर पे सुवर लौटे। तो लिहाजा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, अल्लाह ने आपको इख्तदार दिया, जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस पे एक्शन लेके पूरा कचरा कुंडी को साफ कराए, अल्लाह के घर को आबाद कराए, और जितने खबरों के अंदर कब्रस्तान में खबर हैं उनका तहफ्फुज करे, उनकी देखभाल करे, क्लीनिंग करे, सफाई करे, वहाँ पे अतराफ में बाउंड्री वॉल उठा दे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से, हैदराबाद के MP असद साहब से, कारवान के MLA कौसर मोहिद्दीन साहब से, और हैदराबाद के अंदर रहने वाले गयूर अहले ईमान भाइयों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देखिए मस्जिद के अंदर सुअर आ रहे जा रहे, खबरों पे सुअर फिर रहे, बच्चों को लेके सुअर पड़े हुए वहाँ पे, कलमा पढ़ने वाले खबर का ये हाल है। हम, मुझे और आपको गफलत से निकलना चाहिए, मसला की इख्तलाफ अपनी जगह है, आगे आके इस अल्लाह के घर के लिए आवाज़ बुलंद करिए, वीडियो को सुनिए, ज़रूर आगे तक शेयर करिए। सलीम साहब, ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपकी खबर पर आके सुअर लौटे और आपके लिए जनाजे की नमाज़ पढ़ाने मस्जिद नसीब ना हो। डरिए अल्लाह की पकड़ से, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है बोल के आपको बोलना है।
अगर आपसे वो काम नहीं हो सकता तो अपने ओहदे से, अपने पोस्ट से आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। अगर गैरत थोड़ी भी अगर आपके अंदर है तो या एक्शन लीजिए या इस्तीफ़ा दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर। भाई वीडियो सुनिए, ज़रूर दबा के शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमत। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़।